हेलो एवरीवन, आज हम एपोसाइनेसी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। पहले भी हम चार फैमिली को कवर कर चुके हैं, अब ये पांचवी फैमिली है एपोसाइनेसी फैमिली। तो सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसके बाद इसके जनरल कैरेक्टर एंड फ्लोरल डायग्राम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। बेंथम और हुकर के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन, तो इसका जो डिवीज़न होता है वो क्या होता है, एंजियोस्पर्मी, मतलब कि इसके अंदर जो ओव्यूल होते हैं वो ढके हुए होते हैं। उपप्रभाग होगा इसका डाइकोटिलीडन्स, मतलब इसके अंदर जो कोटिलीडन्स होते हैं उनकी संख्या दो होगी। और जो फ्लोवर है वो कैसा होता है, पेंटामॉर्फस होता है, मतलब कि इसके अंदर पेटल और सेपल 5 के गुणन में होंगे। क्लास होगी गैमोपेटली, मतलब कि इसके अंदर सेपल और पेटल होते हैं वो क्या होंगे, संयुक्त होते हैं, मतलब आपस में जुड़े हुए होंगे। अगला पॉइंट है श्रृंखला, श्रृंखला होती है बाई कार्पलिटी, इसके अंदर दो अंडप होते हैं और इसका जो अंडाशय है ओवरी होती है वो कैसी होती है, ऊर्ध्व होती है, मतलब कि हाइपोगाइनस होता है। ओवरी वाला पार्ट है वो क्या होगा, ऊपर होगा, और अन्य जो फ्लोवर पार्ट हैं वो इसके नीचे से निकलेंगे, तो इसको हम हाइपोगाइनस ओवरी कहते हैं। गण ऑर्डर होगा इसका जेंसियल्स, इसके अंदर क्या होता है, पुंकेसर दल की संख्या के बराबर होंगे और दल लग्न होते हैं, यानी कि एपिपिटेलस होंगे, और कैसे होते हैं, पेटल की संख्या के समान होते हैं। फैमिली है एपोसाइनेसी, जो एपोसाइनेसी फैमिली है इसको, इसका दूसरा नाम है डॉगबैन फैमिली, तो इसको डॉगबैन फैमिली भी कहते हैं। अब इसके लाक्षणिक गुण देखते हैं। जनरल कैरेक्टर्स, जो प्लांट हैं वो कैसा होता है, अधिकतर वृक्ष होगा, यानी कि ट्री के रूप में पाया जाता है, काष्ठीय आरोही या फिर कैसा होता है, आरोही होता है, मतलब कि ये बेल के रूप में होगा। दूध या क्षीर प्रजेंट होता है, मतलब कि इसके अंदर जो लेटेक्स है वो पाया जाता है। जब हम इसके स्टेम को काटते हैं या फिर पत्ती को तोड़कर अलग करते हैं तो उस स्थान से इसके अंदर दूध जैसा पदार्थ निकलता है। इसकी जो लीव्स हैं वो कैसी होती हैं, सिंपल एक्स स्टिप्युलेट एंड सम्मुख क्रोसवत होती हैं, और कैसी होती हैं, चक्रीय रूप में पाई जाती हैं। इनफ्लोरिसेंस होगा सामान्य सेसीमाक्स, मतलब कि इसके अंदर क्या होता है, जो एपेक्स पार्ट है शीर्ष पार्ट पर फ्लोवर लगेगा और साइड से फ्लोवर लगते हैं। शीर्ष पर फ्लोवर लगने के बाद में इसमें फ्लोवर लगना वहीं पर रुक जाता है, ज़्यादा नहीं लगते। एक होता है एसीमाक्स, यानी कि उसके अंदर असीमित फ्लोवरिंग होती है। फ्लोवर होगा जायांगधर, परिजायांगी अथवा ऊपरी जायांगी, मतलब कि इसके अंदर तीनों टाइप के फ्लोवर पाए जाते हैं। तीनों टाइप कौन कौन से हैं, एपिगाइनस, पेरिगाइनस और हाइपोगाइनस, तो ये तीनों प्रकार के फ्लोवर प्रजेंट होते हैं। स्टेमन है वो 5 होंगे, दलों की संख्या के बराबर, यानी कि जो पेटल होंगे उतने ही एंड्रोसियम पाए जाएंगे, बाह्य दल के अभिमुख होते हैं। गाइनोसियम होता है द्विअंडपी होता है, वियुक्त अंडपी अथवा संयुक्त अंडपी, यानी कि ये फ्री भी हो सकते हैं और जॉइंट भी हो सकते हैं, जुड़े हुए भी हो सकते हैं। दो अंडप होते हैं वो या तो अलग अलग होंगे या फिर जुड़े हुए, और इसके अंदर जो प्लेसेंटेशन पाया जाता है वो होता है सीमांत बीजांडन्यास। फल होगा फॉलिकल, फॉलिकल का मतलब होता है कि इसके अंदर जो फल होता है वो शुष्क होता है और एक तरफ से इसके अंदर लाइन होती है, मतलब उस साइड से ही इसको हम तोड़ सकते हैं। एक होता है लेग्यूम, लेग्यूम जो फ्रूट होता है उसके अंदर क्या होता है कि दोनों तरफ से इसको हम तोड़ सकते हैं, फली के जैसे लगते हैं।
अगला पॉइंट है कॉमन प्लांट ऑफ एपोसाइनेसी फैमिली। तो कॉमन प्लांट्स में सबसे पहले सदाबहार, इसको पेरीविंकल भी बोलते हैं, तो इसका बॉटनिकल नेम होगा कैथेरेंथस रोजियस। अगला है सर्पगंधा स्नेक प्लांट, इसका होता है राऊ वॉल्फिया सर्पेंटाइना। अगला है करोंदा, करोंदा को अंग्रेजी में भी क्या है करोंदा ही बोलते हैं, और इसका होगा कैरिसा कैरेंडस। फिर है कनेर, कनेर का होता है नेरियम इंडिकम, कनेर का होगा नेरियम इंडिकम। अब हम एपोसाइनेसी फैमिली के एक मेंबर है सदाबहार कैथेरेंथस रोजियस, तो उसके लक्षण देखते हैं, उसका पूरा डिटेल देखेंगे। तो इसका जो हैबिट है वो कैसी होती है, बहुवर्षीय साक होता है, यानी कि ये पेरेनियल हर्ब होगा। इसका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। तना है, तना कैसा होगा, वायवीय होता है, शाखित बेलनाकार उदग्र शाकीय चिकना, मतलब कि इसके अंदर क्या है, जो रोम जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है स्टेम पर वो इसके अंदर अब्सेंट होती है, एकदम से चिकना इसका तना होगा। और ये कैसा होता है, ठोस होता है, क्षीर प्रजेंट होता है, यानी कि इसके अंदर मिल्की लेटेक्स पाया जाता है। अगला पॉइंट है लीव्स, लीव्स कैसी होंगी, शाखीय व स्तंभिक, मतलब कि इसके अंदर जो स्टेम होगा प्लांट का उस पर भी लीव्स लगती हैं और ब्रांचेज पर भी लीव्स लगती हैं, तो उसको बोलते हैं शाखीय व स्तंभिक, यानी कि शाखाओं पर और स्तंभ दोनों पर इसके अंदर लीव्स प्रेजेंट होंगी। सव्रंथ होती हैं, मतलब कि जो लीव्स होती हैं उसको आधार से जोड़ने वाला डंठल पाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सव्रंथ, ये इसका पीटियोल होता है। सरल होंगी, सम्मुख क्रॉसवत, मतलब कि आमने सामने क्रॉस के रूप में ये लगती हैं। अन अनुपर्णी स्टिप्यूल इसके अंदर अब्सेंट होते हैं, दीर्घ वृत्ताकार होती हैं, यानी कि ये थोड़ी बड़ी बड़ी पत्तियां होंगी, और शीर्ष इसका कैसा होता है, तीक्ष्ण होता है, एक्यूट होगा, एवं इसके अंदर क्या होता है, एक सीरीय जालिकावत विन्यास पाया जाता है। यूनिकोस्टेट रेटिक्यूलेट विनेशन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो एक सीरीय जालिकावत का मतलब होता है कि लीव के अंदर क्या होगा, एक मेन सिरा होती है और वहाँ से बहुत सारी अन्य सिराएं निकलती हैं, और ये क्या करती हैं, एक जाल सा बना लेती हैं। इनफ्लोरिसेंस सेसिमाक्स कक्षस्थ या जोड़ों में उपस्थित, तो ये कैसे होते हैं, जो फ्लोवर लगते हैं वो क्या करेंगे, लीफ के कक्ष में क्या करते हैं, जोड़ों के रूप में लगते हैं, कि एक साथ ये दो दो फूल लगेंगे, दो चार इस तरह से लगते हैं। फिर है इसका फ्लोवर कैसा होता है, फ्लोवर होगा सव्रंत, मतलब कि इसके अंदर पेडिकल प्रेजेंट होता है। फ्लोवर को जो स्टेम से जोड़ने वाला पार्ट होता है, फ्लोवर को स्टेम से जोड़ने वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, पेडिकल बोलते हैं। सहपत्री मतलब कि इसके अंदर ब्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं, लीफ जैसी स्ट्रक्चर फ्लोवर के पास में पाई जाती है। पूर्ण होता है मतलब कि इसके अंदर सभी साइकिल प्रेजेंट होती हैं, गाइनोसियम एंड्रोसियम कैलिक्स कोरोला ये सब प्रेजेंट होते हैं। द्विलिंगी होता है मतलब कि इसके अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। त्रिज्या सममित होगा, एक्टिनोमॉर्फिक जो फ्लोवर है वो कैसा होता है कि उसको हम कहीं से भी काटेंगे तो क्या होगा, दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। पेंटामेरस होगा मतलब कि पांच के गुणन में, इसमें जो पेटल और सेपल हैं वो पांच के गुणन में लगते हैं। जायांगधर हाइपोगाइनस होता है, और साइक्लिक होगा गुलाबी और सफ़ेद होता है। तो इसका जो फ्लावर है वो कैसा होता है, पिंक या फिर वाइट कलर का होता है। अगला पॉइंट है बाह्य दलपुंज,
तो जो कैलिक्स हैं वो कितने होते हैं, इनकी संख्या। सेपल इसके अंदर 5 होते हैं, वो भी कैसे होंगे, पॉली सेपल्स। क्विन क्विंसियल होंगे और ग्रंथिल होते हैं। अगला पॉइंट है दलपुंज, तो कोरोला इसके अंदर क्या होते हैं, पेटल इसके अंदर 5 होंगे और ये कैसा होता है, गेमो पेटेलस होता है। प्रदक्षिण व्यावर्तित, यानी कि ये कैसे होते हैं, क्लॉकवाइज ट्विस्टेड होते हैं, यानी कि इसके अंदर जो वेनेशन होता है पेटल्स का वो कैसा होता है, ट्विस्टेड होता है। ट्विस्टेड में क्या होगा कि ये एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं इस तरह से। जो दल है वो कैसा होता है, नलिकाकार चक्रिक होते हैं, ट्यूब्यूलर रोटेट करते हैं। और जो नलिका है उसके कंठ में क्या होगा, रोमिल क्रीटीय अतिवृद्धि पाई जाती है। अगला पॉइंट है पुमंग एंड्रोसियम, 5 इसके अंदर स्टेमन होंगे, दल लग्न होते हैं, मतलब कि एपिपिटेलस होंगे, जो पुष्प नलिका के कंठ में उपस्थित होते हैं। फ्लोवर के नीचे इसके अंदर क्या होता है, नलिकाकार संरचना पाई जाती है। तो इस नलिका में क्या है, जो कंठ का भाग है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, स्टेमन प्रेजेंट होते हैं। पराग कोष द्विकोष्ठी होता है, बाणाकार होगा तथा आधार लग्न होता है, तो ये बेस से बेसी फिक्स्ड होंगे। अंतर्मुखी आलग्न और इनका जो स्फुटन है वो कैसा होता है, लंबवत होता है। तो जो पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन सेक होता है, वो कैसा होता है, द्विकोष्ठी होता है। और कैसी इसकी संरचना होती है, बाणाकार इसकी स्ट्रक्चर होती है। गाइनोसियम, गाइनोसियम इसमें द्वि अंडपी होता है, अंडप आधार पर मुक्त होते हैं, यानी कि आधार से अलग रहते हैं, तथा उभयनिष्ठ वर्तिका और वर्तिकाग्र प्रेजेंट होती हैं। इसके अंदर क्या होता है, स्टिग्मा और स्टाइल प्रेजेंट होंगी। ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर होती है, सीमांत बीजांडन्यास होता है, वर्तिका लंबी सरल होती है, और जो वर्तिकाग्र है वो कैसा होता है, सैमुंड व चिपचिपा होता है। तो जो इसका वर्तिकाग्र होता है वो कैसा होता है, डंबल के शेप का होता है और चिपचिपा रहता है। अंडाशय के पश्च एवं अग्र सिरे पर 2 जीभिकाकार मकरंद कोष पाए जाते हैं। तो जो इसकी ओवरी होती है उसके अगले और पिछले सिरे पर क्या होता है, 2 लिग्युलेट मकरंद कोष, मतलब कि नेक्टर सैक प्रेजेंट होते हैं। फ्रूट इसका होगा फॉलिकल, जो अभी समझाया था कि इसके अंदर क्या होता है, एक तरफ से हम इसको तोड़कर इसमें बीज निकलते हैं, और सरल और स्फोटी प्रकार का होता है। तो अब हम इसका देखते हैं हैबिट, जो सदाबहार का जो प्लांट होता है वो कैसा होता है। इसके अंदर पेरेनियल हर्ब होगा, यानी कि ये बहुवर्षीय साग होता है। ये इसका स्टेम है, ये इसके अंदर क्या है, फ्रूट है, और ये लीफ फ्लोवर दिखाई दे रहे हैं। जो लीफ होती हैं वो कैसी होती हैं, क्रॉस के रूप में होती हैं। इसका फ्लोवर है, इसके अंदर सेपल है, फिर जो ट्यूब्यूलर इसके अंदर नलिका पाई जाती है, इसके ऊपर इसके अंदर क्या होता है, पेटल प्रेजेंट होते हैं। तो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, एंथर प्रेजेंट होते हैं। ये वाला है इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, जो फ्लोवर है इसको हम इस तरह से लंबाई में काटेंगे तो ये सेक्शन हमें प्राप्त होगा। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, पेडिकल है सबसे नीचे वाला पार्ट, फिर इसके अंदर ओवरी है, सेपल, स्टाइल और स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी किसका पार्ट होता है, गाइनोसियम। इसको इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। फिर ये एंथर है, एंड्रोसियम का पार्ट है, फिर पेटल। आगे है
स्टेमन की, एक स्टेमन की स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर क्या होता है, फिलामेंट से ये जुड़े हुए होते हैं, ये इसका कनेक्टिव, और एंथर कैसे होते हैं, बाणाकार होते हैं। फिर है गाइनोसियम। गाइनोसियम में क्या होता है, ओवरी, ओवरी है, उसके अंदर दो ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से फ्री रहते हैं, ये इसके स्टाइल है। और स्टिग्मा, जो स्टिग्मा होती है वो कैसी होती है, डंबल शेप की होती है और चिपचिपी होती है। अगला पॉइंट है टीएस ऑफ ओवरी। तो जो ओवरी होती है उसके अंदर क्या होता है, दो ओव्यूल होते हैं और नेक्टर डिस्क पाई जाती है। फिर है इसका फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल डायग्राम है, उसके अंदर ये इसका है मदर एक्सिस। फिर है कैलिक्स, जो कैलिक्स हैं उसकी संख्या 5 होती हैं और एक दूसरे से फ्री रहते हैं। जो कोरोला है, कोरोला कैसे होते हैं, कोरोला इसके अंदर ट्विस्टेड रहते हैं, क्लॉकवाइज ट्विस्टेड, एक दूसरे पर ओवरलैप करते हुए पाए जाते हैं। अगली स्ट्रक्चर है, अगला जो साइकिल है वो होती है एंड्रोसियम की। तो इसके अंदर जो स्टेमन होते हैं वो पेटल से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे से फ्री होते हैं। सबसे लास्ट में होती है गाइनोसियम। तो गाइनोसियम में क्या होता है, दो ओव्यूल होंगे और आपस में अलग अलग रहते हैं और इसके अंदर नेक्टर ग्लैंड भी पाई जाती है। जो इसका प्लेसेंटेशन होता है वो कैसा होता है, अक्षीय होता है, एग्जाइल प्लेसेंटेशन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। फिर है फ्लोरल फॉर्मूला। EBR मतलब कि ये ई ब्रैक्टिएट होते हैं, ब्रैक्ट इसके अंदर अब्सेंट होगा। EBRL ब्रैक्टियोलेट भी अब्सेंट होता है। फिर है एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, फ्री होते हैं, इसलिए इनको ब्रैकेट में नहीं रखा है। जो कोरोला होंगे वो कैसे होते हैं, गेमोपिटेलस होते हैं, इसीलिए इनको क्या रखा है, ब्रैकेट में रखा गया है, मतलब कि ये आपस में जुड़े हुए होंगे। एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम भी क्या होते हैं, 5 होते हैं और फ्री होते हैं। फिर जो कोरोला और एंड्रोसियम है वो जुड़े हुए होते हैं, तो इनको कैप से दिखा रखा है। फिर है गाइनोसियम। गाइनोसियम कैसे होते हैं, इसके अंदर 2 होंगे और जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है, हाइपोगाइनस। तो ये था एपोसाइनेसी फैमिली के कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन।